हेलो दोस्तों, सास बहू के खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं प्याज की कचौड़ी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कचौड़ी का आटा लगा लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1.5 कप मैदा, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हम डालेंगे अजवाइन, इसमें 1/4 कप हम डालेंगे ऑयल, मोरन के लिए ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल को हम मैदे में अच्छी तरह से मिला लेंगे, मुट्ठी से इस तरह से रगड़ रगड़ के मैदे में पूरा ऑयल अच्छे से हम मिला लेंगे। जब हमारी मुट्ठी इस तरह से बनने लग जाए तो इसका मतलब है मैदे में मोरन पूरा अच्छी तरह से है। इसको अब हम पानी से थोड़ा थोड़ा करके इस आटे को गूंद लेंगे। पानी हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। इस तरह का आटा लग जाना चाहिए, ना ही हमें सॉफ्ट लगाना है ना ही कड़ा लगाना है। इसे इस तरह लगा के हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इसे अब तक हम कचौड़ी के लिए मसाला भून लेते हैं। 1 चम्मच हम लेंगे खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच हमें जीरा लेना है। इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। जैसे जैसे ये रोस्ट होगा इसमें से अच्छी सुगंध आने लगेगी और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। इन्हें हमें ठंडा कर लेना है। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में इस मसाले को दरदरा पीस लेना है। हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इस तरह से दरदरा पीसना है। इधर हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे हम हींग। हींग से मसाले का स्वाद बढ़ जाएगा। कचौड़ी में तीखापन के लिए डालेंगे इसमें हम 5 से 6 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसे हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक प्याज कटा हुआ। ये प्याज क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हम प्याज की कचौड़ी बना रहे हैं। 5 मीडियम साइज के प्याज हैं ये बारीक कटे हुए। इन्हें अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने से प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। प्याज जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अदरक क्रश की हुई। इसमें आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये क्रश किया हुआ था तो मैंने ये डाल दिया है। अदरक भुन जाने से स्वाद अच्छा आएगा, इसमें आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन के। बेसन को और प्याज को भी अच्छे से भून लेना है। जब बेसन प्याज के साथ भुन जाएगा तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा और ये बाइंडिंग में भी हेल्प करेगा। प्याज और मसालों के साथ बेसन को भी हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से भुनेंगे। जब अच्छे से हमारे भुन जाए तो इसमें हम सूखे मसाले डाल देंगे। जैसे कि 1/4 चम्मच हमें डालना है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब सूखे मसाले डालने के बाद कलर कितना अच्छा आ गया है। ये बेसन मसाले सारे एक से मिल जाएंगे, अच्छे से भुन जाएंगे ये, तो इसमें से अच्छी सी एक खुशबू आने लग जाती है प्याज जब भुन जाते हैं तो। इसी तरह मसाले को हमें धीमी आंच पे भून लेना है। जब मसाले अच्छे से भुन जाएं तो इसमें हम डालेंगे 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिन्हें हमें हाथ से मसल के डालना है। इसमें हाथ से मसले हुए आलू प्याज वाले मसाले में डाल के अच्छी तरह से इन्हें हम आपस में मिला लेंगे। उबले हुए आलू हमने इसलिए डाले हैं ताकि प्याज का जो मसाला है कचौड़ी से बाहर नहीं निकले। उबले हुए आलू मसालों को पकड़ के रखने में सहायता करते हैं। और इनमें हम डालेंगे अब 2 बड़े चम्मच जो मसाला हमने भून के रखा था वो मसाला हमें डाल देना है। इसमें हमें प्याज के मसाले को फिर से अच्छी तरह से मिला लेना है। प्याज की कचौड़ी ऐसे भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, जब इमली की चटनी हो, खट्टी खट्टी इमली की चटनी हो साथ में और प्याज की कचौड़ी हो तो कचौड़ी का स्वाद दुगना हो जाता है। आलू जब मसाले में अच्छी तरह से मिल जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अमचूर पाउडर को भी हमें इसमें अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी, पीसी हुई चीनी, जिससे हमारे मसालों का स्वाद
एकदम परफेक्ट बैठेगा। इन सब मसालों को भी मिला के हमें एक मिनट के लिए फिर इस मसाले को भूनना है। सबसे लास्ट में अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिला के हमें अब गैस को बंद कर देना है और इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख देना है। इस मसाले से हमें जितनी कचौरियाँ बनानी है उतनी हम बना सकते हैं, पर जो बाकी मसाला बच जाए तो उसके हम पराठे भी बना के खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अब ये मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे हम अब हाथ से मिला लेते हैं। हाथ से पूरा अच्छी तरह से इसको मिलाते हुए इसकी हमें छोटी छोटी बॉल बनानी है, बॉल के साइज की गोल गोल करके। इस बॉल को फिर हम कचौड़ियों में भरेंगे, एक साथ सारी बॉल बना के रख लेंगे हम। बॉल्स को मैंने नींबू की जितनी बड़ी बड़ी बनाई है, क्योंकि कचौड़ी में जितना मसाला होगा कचौड़ी उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी, तो मैंने इतनी बड़ी बनाई है। आपको अगर छोटी बनानी है तो आप छोटी भी बना सकते हैं। मसाला अच्छे से भरा हुआ होगा कचौड़ी में तो कचौड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो इसे ज़्यादा मसाला डाल के बनाएं। सारी मसाले की बॉल्स हमने बना ली है, अब हम इधर आटे की तरफ देख लेते हैं। आटा हमारा अच्छे से भीग चुका है, आटे को भी एक बार हम फिर से गून लेते हैं। ये मैंने मैदे की कचौरी बनाई है, इसी तरह से आप आटे की कचौरी भी बना सकते हैं। मसाला सेम वही रहेगा, मोरन नमक अजवाइन सारे वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ मैदे की जगह आटा होगा। लोइयां हमें इतनी बड़ी बनानी है जितनी हमने मसाले की बॉल बनाई थी उतनी बड़ी। कचौड़ियों में जितना ज़्यादा मसाला होगा उतनी ही खाने में स्वादिष्ट लगेगी। एक एक करके हम सारी बॉल्स को इस तरह से तोड़ के रख लेते हैं, उसके बाद हाथों से गूनेंगे और सारी लोइयां हम इस तरह से बना के रख लेंगे। फिर हम एक एक लोइयों को हाथ से मसल मसल के इस तरह से बना लेंगे और इसकी हम पतली पतली पूड़ी के जैसे इसको बेल लेंगे। इसके हमें साइड के कॉर्नर को ज़्यादा बेलना है, पतला पतला करके इस तरह से इसके साइड में हम चारों तरफ पानी लगा लेंगे ताकि ये कचौरी बाद में खुले नहीं, तेल में जाने के बाद ये अच्छे से पैक हो जाएगी। इसके बीच में ये मसाला रखेंगे, मसाला अंदर दबा के चारों तरफ से हमें इसे पोटली की तरह बना लेना है। जब ये पोटली की तरह अच्छी से बन जाएगी तो कोई तो इसके ऊपर का पार्ट है जो काट के हटा देते हैं, पर मैं इसी में इसको चिपका देती हूँ। इस तरह से चिपका देना है और उसे एक बार फिर से बेलन से हल्का हल्का बेल लेना है, ज़्यादा नहीं बेलना है, सिर्फ हल्का बेलना है। ये देखिए इस तरह से हमारी कचौड़ी बनके तैयार है। इधर हमने तेल गरम चढ़ा दिया था, तेल को एक बार ज़्यादा गरम करके फिर इसको मीडियम फ्लेम पे कर देना है। ज़्यादा तेज आंच में हमें कचौड़ियों को नहीं तलना है, नहीं तो ये ऊपर से सिक जाएगी, अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। इसको धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे इसे अच्छे से सेकते हुए इन कचौड़ियों को हम तल लेंगे। मेरी ये छोटी कढ़ाई है तो इसलिए मैं एक एक करके कचौड़ियाँ तल रही हूँ, नहीं तो आप बड़ी कढ़ाई हो तो उसमें 3-4 कचौड़ी एक साथ तल सकते हैं। एक एक करके सारी कचौड़ियाँ हम निकाल लेंगे। मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी फूली फूली कचौड़ियाँ होने के साथ ये क्रंची भी बनी है, देखिए इसकी आवाज़ भी आ रही है, आवाज़ सुन सकते हैं। लीजिए हमारी सारी कचौड़ियाँ बनके तैयार हैं।